ओके जी, तो इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक एरर जो हमारे पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर या एसक्यूएल सर्वर के अंदर जब आप डेटाबेस बनाते हैं तो आपको इस तरह का एक एरर फेस होता है। अब जिसमें हमारे पास एरर क्या होता है कि ये वाला पाथ जहाँ पे आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं या डेटाबेस जब आप बनाते हैं तभी एरर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं डेटाबेस बना रहा हूँ जिसका नाम है टेस्ट जो भी कुछ डिजिट है, तो ये आपको एक तो पहले कनेक्ट करवा रहा है, उसके बाद आपको ये क्या बता रहा है, कुडेंट फाइंड स्टोर प्रोसीजर फला फला। अच्छा, ये पूरी क्यूरी सेलेक्ट करनी है फिर एग्जीक्यूट करना है, सही है? तो ये एरर आपके पास शो हो रहा है। अभी एरर है क्या कि आप किसी भी तरह का डेटाबेस जब आप बनाते हैं तो बेटा सी ड्राइव के अंदर हमारे नंबर ऑफ डेटाबेसेस सेव होते हैं मेजोरिटी, और आपके पास जब भी सी ड्राइव में आप डेटाबेसेस बनाते हैं तो एक इशू अभी आपके पास बार बार फेस क्यों होता है, क्योंकि बेटा हमारे पास हम स्पेस को बचाने के लिए सी ड्राइव को जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और यहां पे देखें क्या किया हुआ है, कंप्रेस दिस ड्राइव टू सेव डिस्क स्पेस, चेक लगा हुआ है ना। इसका मकसद मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव को कंप्रेस किया हुआ, सही है? अब इस कंप्रेस की वजह से मेरा कुछ बहुत सारा स्पेस तो बचा है, लेकिन द प्रॉब्लम इज जो आपके न्यू डेटाबेस आप बनाना चाहते हैं वो भी सी ड्राइव में बन रहे हैं और वो अभी आपको अलाउ नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने इसको कंप्रेस किया हो। कौन सा क्लियर है? अब हमें क्या करना पड़ेगा, आप पूरी सी ड्राइव को अनकंप्रेस या आप समझ लें कि कंप्रेस से चेक हटाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो वाला फोल्डर जहां पे डेटाबेसेस बन रहे हैं, पूरी ड्राइव नहीं, वो फोल्डर जहां डेटाबेसेस बन रहे हैं वहां पे जाके बस उसको अनकंप्रेस कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसके लिए करना क्या पड़ेगा, यहां पे आए देखें, इसने एक पाथ बताया कि सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का एक फोल्डर है, उसमें एमएस एसक्यूएल 11 और एमएस एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपके ये जो है डेटाबेस बन रहा है, सही है? अब डेटाबेस तो इसने बनने दिया नहीं, तो आपको कहां तक पाथ कॉपी करना है, डेटा तक। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉपी करेंगे ये पाथ और आपको सी ड्राइव में जाना है, ये यहां पे आ जाए फाइल एक्सप्लोर के अंदर, सिर्फ ये विंडोज के हिसाब से बता रहा हूं, आपके पास लिनक्स या मेक के अंदर आपका अलग ही प्रोसीजर होगा। आप कहां पे आ गए, डेटा फोल्डर में आ गए बेटा, ये देखिए सारे डेटाबेस जो हमने पहले बनाए थे वो सारे शो हो रहे हैं, सही है? अब आपको क्या करना है, यहां पे आके एमएस एसक्यूएल में जाएं, यहां पे एक डेटा का फोल्डर है ना, इस पे राइट क्लिक करें और उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, तो देखें क्या लगा हुआ है इस पे, आपको पहले एडवांस प्रॉपर्टीज में जाना है, यानी डेटा के फोल्डर पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस प्रॉपर्टीज के अंदर, तो यहां पे एक चीज आपको नजर आ रही है, कंप्रेस कंटेंट्स टू सेव डिस्क स्पेस, यानी डेटा को कंप्रेस किया, और जो न्यू डेटा आ रहा है वो इसी वजह से नहीं बन रहा, यानी न्यू डेटा वैसे नहीं बन रहा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपल इससे चेक हटाना है, ओके करना है, और उसके बाद अप्लाई करना है, और आपने क्या करना है जी, अच्छा ये बोला है कि अप्लाई करें इसके फोल्डर सब पे, यानी इसके अंदर भी अगर कोई फोल्डर है तो उनपे भी अप्लाई करना, मैं इसको कह रहा हूं यस, और उसके बाद आपने परमिशन एडमिनिस्ट्रेटर्स को कंटिन्यू कर लेना है और उसके बाद ओके कर देना। ये करने के बाद अगर आप फिर से जाते हैं और सेम डेटाबेस फिर से बनाने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे आपका डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुल। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? आओ भी आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा।